तो कैसे आप सभी, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों उम्मीद करती होंगी कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में। इससे पहले का जो टॉपिक था, यानी कि जब चैप्टर था सेल था, तो अगर आपको उस चैप्टर से, उस टॉपिक, उन सभी टॉपिक्स में से अगर कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट करेंगे तो अगर मैं चाहूँ तो उस पर एक नया वीडियो बना सकती हूँ, या फिर मैं आपको कमेंट में ही आपको समझाने की भी पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उस सेल चैप्टर होता है। ठीक है, सेल चैप्टर में से कुछ भी ना समझ में आए आप कमेंट करके जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसे न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, यानी कि पोषक तत्व बोलते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है। पोषक तत्व ऐसे भोज्य पदार्थ जिन्हें हम खाते हैं और हमारे शरीर में एनर्जी आता है, हमारे शरीर का विकास होता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स, सभी चीज़ों का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, पोषक तत्व। तो पोषक तत्व में क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ी होगी आपके सामने बोल रही हूँ, और वो एनर्जी, वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, हमारे भोज्य पदार्थों से ही तो मिलती है। ठीक, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में, भोज्य पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स के बारे में। ठीक, तो शरीर में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना जिनकी आवश्यकता हमको बहुत ज़्यादा होती है, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिनकी आवश्यकता थोड़े से कम भी मिले तो काम चल जाएगा, ऐसा माना जाता है, कुछ कमी मिले तो काम चल जाएगा। लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी आवश्यकता बहुत शरीर में ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका रोल, उनका जो रोल होता है पूरे शरीर में ज़्यादा काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स टू टाइप के होते हैं। ठीक है, एक लिखा गया है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक लिखा गया है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, यानी कि दीर्घ पोषक तत्व। क्या होता है, दीर्घ पोषक तत्व, यानी कि दीर्घ मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में उसकी आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आवश्यकता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम दीर्घ पोषक तत्व कहते हैं। अगर कम मात्रा में किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि लघु पोषक तत्व। देखिए शब्दों में ही इनका काम छुपा हुआ है। जैसे कि अगर बात करूँ मैक्रो का मतलब क्या होता है, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। ठीक है, लार्ज यानी कि लार्ज अमाउंट में जो पोषक तत्व चाहिए उसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे, और माइक्रो का मतलब ये होता है स्मॉल। क्या होता है, स्मॉल यानी कि कम मात्रा में, यानी कि जो कम मात्रा में न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। आया कि नहीं समझ में। अब हम बात करते हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में मैम कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, सबसे पहला लिखा गया है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कितना परसेंट हमारे बॉडी को चाहिए, 60% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए। प्रोटीन 15%, वसा यानी कि फैट 25%। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की खासियत बताऊं तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा आपको आलू में, चावल में, इन सभी चीज़ों में मिलता है। और इसकी एक खासियत क्या है कि सबसे पहले हमारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यानी कि पाचन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे शरीर में सबसे पहला पाचन किसका होता है, आपको पता होना चाहिए किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का। कहाँ पे होना स्टार्ट हो सकता है, माउथ। आप जैसे ही फूड मटेरियल को माउथ में रखते हो अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है तो वो माउथ में ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन की भी बहुत ही आवश्यकता होती है हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए, सेल फॉर्मेशन के लिए, मसल्स फॉर्मेशन के लिए, यानी कि निर्माण के लिए, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आपको एक बात बता दूं कि जो भी आपके सामने टॉपिक लिखा गया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इधर विटामिन वगैरह, उन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर में। तो आपको पता है कि हमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, फैट यानी कि फैट जो होता है तेलीय पदार्थ खाने से ज़्यादा मिलता है, जिससे क्या होता है, चर्बी होती है, यानी कि जो हमारे बॉडी होती है वो ज़्यादा हेल्दी होता है, जिसे मोटापा कह सकते हो, तो वो फैट के कारण ही होता है जो हमारे बॉडी को 25% चाहिए होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट कैसे न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि मैम इसकी मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा होने का मतलब है कि इतना 60%, 50%, 25% कम से कम होना तो चाहिए ही चाहिए। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्मॉल अमाउंट में हमको क्या चाहिए, सबसे पहला आता है विटामिन। विटामिन की खासियत मैं बता दूँ, विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनता है, ये हमको बाहर के जो भी फूड मटेरियल्स होते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं, फ्रूट्स वगैरह होते हैं, उनसे प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो विटामिन जो होता है कम मात्रा में भी चलेगा, खनिज पदार्थ यानी कि मिनरल्स वगैरह जो वाटर वगैरह में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो वो सब की मात्रा। ठीक है, अगर मैं नीचे कुछ दो तीन लाइन लिखी हूँ, इसको लिखेंगे हम, इसको पढ़ेंगे और समझेंगे।
ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व, इनको किसको कहते हैं ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व, इसको कहते हैं, ये हमको एनर्जी देता है, हमारे शरीर का ग्रोथ होता है, हमारे शरीर के अंदर मसल्स बनते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो भी सेल डेड किए होते हैं उनका निर्माण होता है, यानी कि हमारे शरीर, ये इतना बड़ा शरीर कैसे निर्माण होता है, हम जब खाते हैं तभी तो होता है, इसलिए तो अच्छा अच्छा खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, ना कि अनहेल्दी फूड की बात करने में, हेल्दी फूड खाना चाहिए। अगर आप सबसे ज़्यादा स्वस्थ हो, स्वस्थ व्यक्ति वही होता है जो बिना रोग का होता है और जो अनहेल्दी चीज़ों पर नहीं खाता है, ठीक है, उसको ही स्वस्थ माना जाता है। स्वस्थ में हम ये नहीं कह रहे हैं कि बाहर का मार्केट का आप ना खाइए, आप मार्केट का खाइए लेकिन कम मात्रा में खाइए, ठीक है। तो सबसे पहले ये हम बात कर लेते हैं ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व, तो किन्हें कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को कहते हैं, ओके। तुरंत ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी होता है कार्बोहाइड्रेट से मिलते हैं, जैसे कि ग्लूकोज वगैरह आप लेते हो, ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो जैसे हम पीते हैं, जैसे रनर्स होते हैं, जो धावक होते हैं वो क्या करते हैं, ग्लूकोज वगैरह पीते रहते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो उनको जरूर तुरंत एनर्जी मिल जाता है, ठीक है। प्रोटीन मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होता है, मैंने बताया कि प्रोटीन किस में हेल्प करता है, मांसपेशियों के निर्माण में, मांसपेशियां मतलब मसल्स वगैरह में फॉर्मेशन में क्या करते हैं, प्रोटीन हेल्प करते हैं, ठीक। नोट, एक नोट, ये कोई 500 2000 का नोट की बात नहीं कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो टर्म होता है ना उनके बारे में बात कर रहे हैं। नोट, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की कमी होने पर प्रोटीन का उपयोग ऊर्जा के रूप में करता है। अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा यानी कि फैट, कार्बोहाइड्रेट कम है तो हमारे जन जो हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटीन होता है ना उसका उपयोग किया जाता है ऊर्जा के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में किया जाता है। तो हम इन सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इस क्लास में मुझे इतनी जानकारी दे रही है कि हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या चीज़ है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं, मैं सोच रही सबसे पहले स्टार्ट करूँ आपका विटामिन से। विटामिन जो है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है अपने आप में, और इसका ये जो होता है बहुत जगह पूछा भी जाता है, वैसे तो पूछा हर जगह जाता है, लेकिन जो विटामिन होते हैं वो काफ़ी जगहों पर देखने को मिलते हैं, पूछा जाता है, यानी कि आपको कोई भी एग्जाम वगैरह हो एक ना एक विटामिन जो होता है पूछ दिया जाता है। तो मैं कल स्टार्ट करने वाली हूँ विटामिन से, ठीक है। तो अगर आपको विटामिन वगैरह पढ़ना हो तो आप कल के लेक्चर भी जरूर देखिएगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट रह जाता है आपका किस क्लास से रिलेटेड, प्रीवियस क्लास से, यानी कि जो सेल चैप्टर था उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, मैं उस आपके जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन जरूर करूँगी, ठीक है। तब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।